मेरे सारे शिक्षा का विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं, बताने वाला हूं बीपीएससी ट्री 3.0 का जो रोस्टर आया है, ये रोस्टर आने से बहुत सारे चीजें स्पष्ट हो गए। पहला बात तो आपका जो एग्जाम होंगे तय समय पर होंगे, दूसरा बात रोस्टर आने से कितना ज्यादा कंपटीशन, कितना ज्यादा जो है 1-5 में, 6-8 में, 9-10 में, 11-12 में कितना कंपटीशन है वो पता चल रहे हैं, सीट पता चल रहे हैं, तो वो सारी चीज क्लियर हुए हैं। इसी बीच अपियरिंग वाले जो स्टेट अपियरिंग है उनको लेकर कुछ इंफॉर्मेशन है, मैं वो बताने वाला हूं। बीपीएससी ट्री 3.0 में एनआईओएस डीएड को लेकर मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि मैटर अब पटना हाईकोर्ट में जा चुका है। बात बताया जा रहे हैं कि हाईकोर्ट से इंफॉर्मेशन आएंगे और बीपीएससी ट्री 3.0 में एनआईओएस डीएड को मौका मिलेगा। बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारी चीजें बताना बाकी है। जैसे कि अभी सीटेट वाला का ही मैटर चल रहा है, बताया जा रहा है कि सीटेट वाले में इस तरह से अन्याय हुए, पेपर टू में तो भाई बहुत को फेल कर दिए गए, पेपर लीक का मैटर सामने बताए जा रहे हैं, बात यहां तक बताया जा रहे हैं कि 150 में से 149 भी ला रहे हैं पेपर टू में, जहां की सबसे ज्यादा फेल पाए जा रहे हैं, और इसी बीच 150 में 149 नंबर लाए जा रहे हैं, तो वो सभी मैटर है। डोमिसाइल का बात चल रहे हैं, डोमिसाइल को लेकर क्या कुछ होंगे, विपक्ष में रहते हैं नेता अलग बयान आता है, पक्ष में रहते हैं अलग बयान आता है। जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको तो भाई, उनके लिए तो बहुत ही बड़ा खुशखबरी चल रहा है, अभी बल्ले बल्ले हैं, क्या कुछ इंफॉर्मेशन है वही मैं सारा चीज आप लोग के सामने रखूंगा। तो एक एक करके मैं सारा इंफॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करूंगा, और बहुत सारे इंफॉर्मेशन मैं अभी डायरेक्टली अभी नहीं बोल पा रहूंगा, अभी मैं नहीं बोलाऊंगा, तो ये वीडियो के बोलते बोलते बीच में मैं कवर करूंगा, ठीक है, जो भी पॉइंट छूटे होंगे, एज जैसे कि एज रिलैक्सेशन, तो सारा चीजें इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, अंत तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहली बात मैं बताना चाहूंगा कि समय बहुत ही कम है आप लोग के एग्जामिनेशन में, क्योंकि आप लोग को पता है कि मार्च में आप लोग का एग्जाम हो जाएंगे, जैसे ही रोस्टर आया है इसका मतलब कि एग्जाम भी तय समय पे ले लिए जाएंगे, और ऐसे में समय बहुत कम है, कहां से पढ़े, कौन किताब पढ़े, कैसे पढ़े, तो मैं बताना चाहता हूं। आप लोग जानते होंगे आज इस टॉप पर डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ऑल इंडिया रैंक 49, जिन्होंने हजारों की संख्या में बीपीएससी 1 जो ट्री 1 है, ट्री 2 में सिलेक्शन दिवाए हैं, शिक्षक बनाए हैं, तो उन्हीं के द्वारा किताब लिखे गए हैं, 1-5, 6-8, 9-10, 11-12 सभी का किताब है। ये जो खास तौर पे जो किताब है एनसीईआरटी एससीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, और इतना जो कम समय दिए गए हैं उसको देखते हुए, नए सिलेबस को देखते हुए, उसी पैटर्न पे इस किताब को तैयार किए गए हैं, कितने कम टाइम में आप कैसे तैयारी करें, और 20-20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, और यही किताब से पढ़कर बहुत सारे स्टूडेंट, लाखों में स्टूडेंट सिलेक्शन लिए हैं। तो ये अजय रंजीत सर का किताब है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग परचेस कर सकते हैं, लिंक पर क्लिक करके आसानी से, और सारा चीज यहां पर जो भी है व्हाट्सएप नंबर तक दिए गए हैं, आप लोग आसानी से परचेस कर सकते हैं। सही विषय का किताब दिया गया है, प्राथमिक गणित, हिंदी, इंग्लिश, भूगोल, हिंदी, इतिहास, सामान्य अध्ययन, सारे का किताब है, आप लोग आसानी से परचेस करके और अपनी तैयारी को बहुत ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। चलिए मैं क्या करके सारे बात बताता हूं, क्या कुछ चल रहे हैं, थोड़ा सा मैं एनआईएस डीएलएड को लेकर थोड़ा सा कवर कर लेता हूं, इसके बाद मैं सारा बात कवर करने वाला हूं। एनआईएस डीएलएड का जो मैटर चल रहे हैं, बताया जा रहे हैं कि एनसीटी एमएचआरडी इसके पीछे मीटिंग चल रहे हैं, और एनआईएस के पक्ष में कुछ बातें आने वाले हैं, एनआईएस के लिए खुशखबरी आने वाले, क्या ये सच है, ये बातें बार बार रखे जा रहे हैं। अब बात यहां तक पहुंच गए, जैसे कि गुवाहाटी, जैसे कि आसाम में एनआईएस डीएलएड वाले को मौका दिया गया, वो लोग शिक्षक भर्ती में फिलहाल मौका दिया गया उनके द्वारा, शिक्षक भर्ती में बहाल भी होंगे अपने राज्य में, उसी तरह से बिहार में भी मौका मांगे जा रहा हूं, इसी को लेकर बिहार जो पटना हाईकोर्ट है उसमें पिटीशन डाल दिए गए हैं, रिट फाइल कर दिए गए हैं, उसका सुनवाई होगा, और सुनवाई होने के बाद बताया जा रहा है कि बिहार में भी एनआईएस डीएलएड को मौका मिलेगा इस बहाली में बीपीएससी ट्री 3.0 में, जबकि 28 नवंबर 2023 को ऑल ओवर इंडिया से ये बाध कर दिए गए थे, बोले गए थे कि एनआईएस डीएलएड वाले शामिल नहीं होंगे, क्योंकि जानते हैं कि इसमें बच्चों का गलती नहीं है, बस परेशान किए जा रहे हैं, कहीं भी कहीं अगर देखा जाए कहीं से भी बच्चों का गलती नहीं है, और एनआईएस डीएलएड को अगर इंफॉर्मेशन नहीं है किसी को, ये बोले जा रहे हैं कि भाई 18 मंथ का है, शायद अब कंफ्यूजन में 18 मंथ का नहीं है, ये भी दो ही साल का था, अगर आप 6 मंथ कुछ अलग चीज में ले ले, 6 मंथ अलग चीज में बांट दें, तो आपका गलती है, आप पूरा 2 साल का ट्रेनिंग करवाते उनसे, अगर नहीं तो 6 मंथ का कुछ स्पेशल ट्रेनिंग करवा के भाई ज्वाइन ले ले, इतने सारे बच्चों लोग का लाइफ बर्बाद करना 14 लाख का, ये कहां से इंसाफ है। तो ये बीपीएससी ट्री 3.0 में अभी बातें की जा रही है कि उनको मौका मिलेगा, पटना हाईकोर्ट में केस चल रहे हैं। अब ये देखना है कि 25 तारीख तक लेट फाइल, 23 तारीख तक फॉर्म भर सकते हैं, 23 फरवरी तक, 25 तारीख तक लेट फाइल में भर सकते हैं, तो उससे पहले अगर इंफॉर्मेशन आता है, अपडेट आता है, पटना हाईकोर्ट का निर्णय आता है, ऐसा नहीं होता है कि इसके बाद में आएंगे तो कोई दिक्कत होंगे, डेट बढ़ाया जा सकता है,
तो उससे घबराना परेशान नहीं होना है। हाईकोर्ट का इन्फॉर्मेशन आएगा, अपडेट आ जाएगा, उसके बाद आपको मौका मिलेंगे, उसमें कोई राय मतलब कोई दो राय वाली बात नहीं है। जहां तक बात है स्टेट अपेयरिंग को लेकर, अलग अलग दावा, अलग अलग वादा, हमेशा से परेशान बीपीसी ट्री वन में किए गए, टू में किए गए, थ्री में बच्चे लोग परेशान हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं, नेता मंत्री से मिल रहे हैं, आश्वासन बोले जाते हैं कि हाँ होगा, ये होंगे, पर क्लियर तरीके से कहीं भी स्पष्ट नहीं किए जा रहे हैं। और बच्चे लगातार परेशान है, बोल रहे हैं कि हम लोग जितने भी अपेयरिंग वाले हैं, स्टेट अपेयरिंग वाले चाहे तो जितने भी अपेयरिंग वाले हैं, हमको मौका मिलना चाहिए। अपेयरिंग वालों के साथ ऐसा क्यों? तो वो भी बात है। दूसरा बात, सीटेट वाले को लेकर पेपर लीक का मैटर सामने आ रहे हैं, आप लोग को पता ही है। 149 वाले को भाई 150 में 149 बच्चे लोग पा रहे पेपर टू में, जहां पर सबसे ज्यादा फेल बच्चे पाए जा रहे हैं, तो ये कैसे हो सकते हैं? तो पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, तो सीटेट के साथ भी क्या हुए, अनफेयर हुए, क्या कुछ है ऐसे सामने बात आ रहे हैं, तो ये मैं बात आप लोग सामने रखने की कोशिश किया। अब मैं बात करने वाला हूं रोस्टर को लेकर। बीपीएससी ट्री 3.0 का जो रोस्टर आया है, ये रोस्टर में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा सीट किस में पता है? 11 12th में, क्योंकि सबसे ज्यादा फॉर्म किस में कम भर जाता है? 11 12th में, जितना सीट इतना बच्चे वाले यहां पर काम हो जाते हैं। अप्रॉक्स 30,000 के करीब में, 29,000 प्लस 11 12th में सीट है। इसके बाद 1 to 5 में 28,000 के करीब में सीट है। यहीं पर देखा जाए 6 to 8 में 19,000 के करीब में सीट है, और 9 10th में देखा जाए तो 24,000 के करीब में सीट है। सबसे ज्यादा कंपटीशन कहां होंगे? 6 to 8 में। ऐसा क्यों? बीएड वाले भी हैं, डीएलएड वाले भी हैं। पर एक बात जो इस बार एक बात है, बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि फॉर्म बहुत ही कम गिरे हैं, फॉर्म बहुत ही कम भरे गए हैं। शायद अभी अंत तक देखना बाकी है, 25 तारीख तक क्या कुछ होते हैं, 23 तारीख तक क्या कुछ होते हैं, 23 तारीख तक तो क्लियर पता चली जाएंगे, क्योंकि 25 तारीख तक लेट फाइन वाले हैं, तो 23 तारीख तक बहुत ही क्लियर हो जाएंगे। अभी तक जो फॉर्म गिरा है बहुत ही कम है, यानी कि कंपटीशन अगर फॉर्म देखा जाए तो इसके मतलब से कंपटीशन बहुत ही कम होने वाले हैं, सीट भी अच्छे खासे हैं। ऐसे में डोमिसाइल का बात किया जा रहे हैं, पक्ष वाले अलग बोलते हैं, जो विपक्ष में रहते हैं अलग बोलते हैं, तो अभी उस पर कुछ क्लियर नहीं है। डोमिसाइल को लेकर अगर कोई बोल रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, तो अभी क्लियर नहीं है। डोमिसाइल लागू होंगे नहीं होंगे इस पर अभी क्लियर बताया नहीं जा सकता है, क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि जो नेता पहले विपक्ष में थे वो बोलते थे ऐसे होंगे ऐसे करेंगे, अब वो पक्ष में आ गए, तो अब क्या होते हैं देखें, क्या कुछ नियम लाते हैं। एज रिलैक्सेशन को लेकर बच्चे लोग परेशान हैं, तो हर तरह से तो बच्चे लोग को ही परेशान किए जा रहे हैं, चाहे पियरिंग को लेकर है हो, एनएसडीएलएड को लेकर हो, बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर हो, इतना जल्दी एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, मतलब जो है अचानक वैकेंसी निकाल के टाइम भी कम दिए जा रहे हैं, जो कुछ में बच्चे लोग भी तैयार हैं और तैयार रहना भी चाहिए। और जो चीज़ें छूट गए होंगे तो मेरे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर इसके सारे स्टूडेंट जुड़े रहिएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन आएंगे चाहे तो एसटीटी को लेकर आएंगे, एनएसडीएलएड को लेकर आएंगे, बीपीएससी ट्री 3.0 को लेकर आएंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आप लोग के साथ सारा चीज शेयर करता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके हर एक स्टूडेंट जुड़े रहें, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।